हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धीरेन्द्र पराते, असिस्टेंट प्रोफेसर साई कॉलेज, सेक्टर 6, भिलाई। और हम लोग यहाँ पे आज पढ़ने वाले सी प्री प्रोसेसर। सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स एक ऐसी हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर की कलेक्शन होती है जो हमें सी कंपाइलर द्वारा पहले से अवेलेबल होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट लाइक एक मैक्रोज की तरह। The C preprocessor is a microprocessor that is used by the compiler to transform your code before compilation. It is called micro preprocessor because it allows us to add macros. Generally हम लोग यहाँ पे compiler से हम लोग इसको use करते हैं अपने code को transform करने के लिए just compilation के पहले। ये एक प्रकार का ऐसा microprocessor होता है जिसके through हम लोग अपने program पे macros को add कर सकते हैं। Preprocessor directives are executed before compilation. Generally, जब हम लोग compile करते हैं, compile करने से पहले वो अपने आप को execute कर देता है। Like हम लोग लिखते हैं hash include stdio.h, hash include conio.h, तो ये जैसे ही हम लोग लिखते हैं और header files वहाँ पर add करते हैं तो वो पहले से execute कर देता है, compilation के पहले ही execute करता है, और उससे related जितने भी functions होते हैं उसको वो सपोर्ट करता है। लाइक यहाँ पे एक डायग्राम से हम लोग इसको समझते हैं। सी प्रोग्राम है, हमने उसमें लगाया प्री प्रोसेसर, एक्सपेंडेड सोर्स कोड, देन उसके बाद कंपाइलर। तो यहाँ पे सी प्रोग्राम जो है उसके अंदर लगा हुआ है प्री प्रोसेसर, देन प्री प्रोसेसर क्या करता है, उस कोड को एक्सपेंड करता है अपने और उसको एग्जीक्यूट करता है कंपाइलर पे। तो इस प्रकार का ये वर्क करता है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग के पास कुछ कुछ प्री प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टार्ट्स विथ हैश सिंबल। लेट सी ए लिस्ट ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, हैश अनडिफाइन, हैश इफ डिफाइन, हैश इफ एंड डिफाइन, हैश इफ, हैश एल्स, हैश एल इफ, हैश एंड इफ। तो इतने प्रकार के यहाँ पे हमारे पास प्री प्रोसेसर अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास सी हैश इंक्लूड। द हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू पेस्ट कोड ऑफ गिवन फाइल इनटू द करंट फाइल। इट इज यूज इंक्लूड सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। इफ इंक्लूडेड फाइल इज नॉट फाउंड कंपाइलर रेंडर्स एरर। तो यहाँ पे जो हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हम लोग यूज करते हैं उससे जनरली क्या करता है कि हम लोग अपने जो भी प्रोग्राम हम लोग बनाए हैं, ठीक है, उसके जो कोड है उसको करंट फाइल में पेस्ट करता है। जो हैश इंक्लूड जो है वो जो भी हेडर फाइल्स को ऐड करेगा, ठीक है, उस हेडर फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस पहले से डिफाइन होते हैं, उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता है, मींस ऐड करता है, जिसको हम लोग सिस्टम डिफाइंड या फिर यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल्स भी बोलते हैं। By the use of hash include directive, we provide information to the preprocessor where to look for the header files. There are two variants to use hash include directives. Hash include file name, hash include double quotes के अंदर file name. तो दोनों ही syntax follow करके हम लोग यहाँ पर use कर सकते हैं। The hash include file name angle brackets के अंदर जो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है tells the compiler to look for the directory where सिस्टम हेडर फाइल्स आर हेल्ड। इन यूनिक्स इट इज स्लैश यूजर स्लैश इंक्लूड डायरेक्टिव। द हैश इंक्लूड फाइल नेम टेल्स द कंपाइलर टू लुक इन द करंट डायरेक्टिव फ्रॉम वेयर प्रोग्राम इज रनिंग। तो यहाँ पे जो करंट डायरेक्टिव होगा, जो भी प्रोग्राम रन कर रहा होगा उसी के ही करंट डायरेक्टिव में अवेलेबल होगा। तो हैश इंक्लूड यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हम लोग ने सी प्रोग्राम में हमेशा यूज़ किया हुआ है। हैश इंक्लूड stdio.h हम लोग यहाँ लिखेंगे। stdio.h जो हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल्स को इस प्रोग्राम में ऐड किए, इसके अंदर बहुत सारे कोड्स अवेलेबल होंगे, वो कोड्स को इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल करता है हैश इंक्लूड। जो यहाँ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यहाँ पे लगा हुआ है हैश इंक्लूड, वो इस stdio.h के अंदर बहुत सारे फाइल्स अवेलेबल होंगे, सारे फाइल्स को इस प्रोग्राम में अवेलेबल कराएगा। और कब अवेलेबल होगा, जैसे ही हम लोग इस लाइन को लिख लेते हैं, एंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट हो जाता है और सारी फाइल्स को इसके अंदर ऐड कर देता है।
देन उसके बाद इंट मेन, प्रिंट एफ, हेलो सी और रिटर्न यहाँ ज़ीरो कर दिए। तो यहाँ प्रिंट एफ जो है इस एस टी डी आई ओ डॉट एच के अंदर में, तो कंपाइल करेंगे तो ये तो पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच। देन उसके बाद जो यहाँ पे प्रिंट एफ है, ठीक है, ये कंपाइल करने के बाद चेक करेगा कि इस प्रोग्राम के अंदर अवेलेबल है या नहीं है, देन उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हेलो सी प्रिंट होगा हम लोग के आउटपुट में डिस्प्ले करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट है, इन हैश इंक्लूड डायरेक्टिव कमेंट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, सो इन केस ऑफ हैश इंक्लूड a:b इज ट्रीटेड एज फाइल नेम। जो भी हम लोग इस एंगल ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे वो एज ए फाइल नेम ट्रीट करता है। नोट टू, इन हैश इंक्लूड डायरेक्टिव बैक स्लैश इज कंसिडर एज नॉर्मल टेक्स्ट नॉट एस्केप सीक्वेंस, सो इन केस ऑफ हैश इंक्लूड a:b इज ट्रीटेड एज फाइल नेम। तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे जो भी हम लोग एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो एज ए फाइल नेम ही ट्रीट करेगा। नोट थ्री, यू कैन यूज ओनली कमेंट आफ्टर फाइल नेम अदरवाइज इट विल गिव एरर। तो हम लोग फाइल नेम के बाद ही कोई कमेंट वहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग को एरर देखने के लिए मिलेगा। देन हम लोग सबसे फर्स्ट आते हैं यहाँ पे हैश डिफाइन। द हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट और माइक्रो सब्स्टिट्यूशन। इट कैन यूज एनी बेसिक डेटा टाइप। लाइक हम लोग यहाँ पे अगर किसी भी तरह का कॉन्स्टेंट डिफाइन करना चाहते हैं, लाइक हम लोग जैसे लाइक पाई की वैल्यू होती है 3.14, हम लोग उसको डिफाइन कर लेते हैं और जहाँ जहाँ भी हम लोग को 3.14 की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग एक डिफाइंड लाइक वेरिएबल हम लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंटैक्स है हैश डिफाइंड देन उसके बाद टोकन वैल्यू। यहाँ पे एक एग्जांपल है छोटा सा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश डिफाइन पाई 3.14। हमने हैश डिफाइन की हेल्प से यहाँ पे पाई को डिफाइन कर लिया, पाई की वैल्यू है 3.14। अब देन उसके बाद यहाँ पे मेन में आ गए, प्रिंट एफ में हम लोग प्रिंट करेंगे परसेंट एफ क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। देन उसके बाद पाई को हम लोग यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो पाई एज ए वेरिएबल यहाँ पे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा 3.140000। तो इस टाइप का हम लोग को आउटपुट यहाँ देखने के लिए मिलेगा। देन हम लोग आते हैं यहाँ पे सी हैश इफ डिफाइन में। द इफ डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक्स इफ मैक्रो इज डिफाइंड बाय हैश डिफाइन, इफ यस इट एग्जीक्यूट्स द कोड अदरवाइज हैश एल्स कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे काम करता है, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे मैक्रो यूज़ करते हैं लाइक हैश डिफाइन। तो यहाँ पे हम लोग उसका सिंटेक्स जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इफ डिफाइन मैक्रो, देन उसके बाद हम लोग जो भी कोड यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो कोड लिखेंगे, लास्ट में हम लोग हैश एंड इफ यहाँ पे यूज़ करेंगे। इफ हैश एल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैश इफ डिफाइन मैक्रो देन उसका सक्सेसफुल कोड, मतलब जो भी अगर ट्रू हो जाएगा तो ट्रू वाला पार्ट, देन उसके बाद एल्स यहाँ पे लिखेंगे हैश एल्स, देन उसके बाद एल्स वाला कोड लिखेंगे, देन उसके बाद एंड इफ कर देंगे हम लोग यहाँ पे। जस्ट इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग छोटा सा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच हैश डिफाइन नो इनपुट। हम लोग यहाँ पे एक डिफाइन कर रहे हैं कॉन्स्टेंट नो इनपुट, वॉइड मेन, देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है इंट ए इक्वल टू जीरो हैश डिफाइन हैश इफ डिफाइन नो इनपुट ए इक्वल टू टू हैश एल्स एंटर ए स्कैन एफ और हम लोग यहाँ इनपुट ले लेंगे। अगर कोई भी इनपुट हमें नहीं देना है तो ए की वैल्यू 2 होगी बाय डिफॉल्ट। अगर ए की कोई भी वैल्यू नहीं है, मींस कोई भी इनपुट नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे एंटर ए हम लोग करेंगे, मींस ए की वैल्यू एंटर करेंगे, देन उसके बाद लास्ट में लिख देंगे हैश एंड इफ। तो ये जस्ट उसी प्रकार काम करता है जैसा इफ एल्स काम करता है, सेम वैसे ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे पहले से जो डिफाइन किया गया रहता है कॉन्स्टेंट उस पर ही ऑपरेट करता है। हम लोग अलग से वहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं,
यहाँ पे जो भी हम लोग को लिखना है, डिफाइन करना है, वो हैश डिफाइन के साथ में यहाँ पे हम लोग को करना होता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू टू, बट इफ़ यू डोंट डिफाइन नो इनपुट इट विल आस्क द यूज़र टू एंटर ए नंबर। अगर यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दिया गया, मीन्स ये वाला कोड नहीं लिखा होता है, उस केस पे ये एल्स वाला काम करेगा और यहाँ पे इनपुट के लिए हमें पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास एक और एग्जांपल है, हैश इंक्लूड एस टी आई ओ डॉट एच इंट ए इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ हैश इफ डिफाइन नो इनपुट यहाँ पे हमने दे दिया, ए इक्वल टू हैश एल्स प्रिंट एफ एंटर ए स्कैन एफ से हम लोग यहाँ इनपुट ले लिए, एंड इफ हम लोग यहाँ कर लिए, देन इसके बाद फिर से वैल्यू को हम लोग यहाँ प्रिंट किए। तो यहाँ पे नो इनपुट डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को एंटर ए पूछेगा, मीन्स एल्स में चले जाएगा और यहाँ पे हम लोग को पूछेगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, इफ डिफाइन नो इनपुट यहाँ पे पहले से डिफाइन किया गया था और यहाँ पे हमने डिफाइन नहीं किया है उसको। अगर हमने पहले से डिफाइन कर लिया तो वो इनपुट नहीं लेगा, अगर हमने डिफाइन नहीं किया तो हम लोग को इनपुट वहाँ पे देना पड़ेगा। तो दोनों में यही डिफरेंस होता है। देन इसके बाद आता है सी हैश इफ एंड डिफाइन। द इफ एंड डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेक्स इफ मैक्रो इज नॉट डिफाइंड बाय हैश डिफाइंड, इफ यस इट एग्जीक्यूट्स द कोड, अदरवाइज हैश एल कोड इज एग्जीक्यूटेड इफ प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। जनरली इफ एन डिफाइन में क्या होगा कि जो भी हैश डिफाइन से डिफाइन नहीं किया गया है उसको चेक करेगा, अगर हैश डिफाइन से किया गया है तो वो जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज एल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिंटैक्स, इफ एन डिफाइन मैक्रो यहाँ पे हमें लिखना है, जो भी हम कॉन्स्टेंट बनाना चाहते हैं, जो भी यहाँ कोड लिखना चाहते हैं वो हम लोग लिखेंगे, देन उसके बाद लास्ट में हैश एंड इफ। अगर यहाँ पे हैश एल्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं तो इफ एन डिफाइंड मैक्रो, देन उसके बाद ट्रू वाला केस है, जो भी सक्सेसफुल कोड है यहाँ पे हैश एल्स एल्स कोड हैश एंड इफ, तो इस प्रकार से हम लोग यूज़ करते हैं। देन उसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे छोटा सा, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच, यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया हैश डिफाइन इनपुट, मीन्स यहाँ पे इनपुट हमें लेना है। देन इसके बाद void main int a equal to 0 hash if n define input a equal to 2 hash else printf enter a scanf से हम लोग यहाँ पे इनपुट ले लिए, देन उसके बाद एंड इफ कर लिए। तो यहाँ पे इनपुट हम लोग ने पहले से डिफाइन कर लिया है तो वो क्या करेगा, इनपुट लेगा, जो हमारा प्रोग्राम जब भी हम लोग इसको रन करेंगे तो इनपुट लेगा और यहाँ पे एल्स में चले जाएगा और यहाँ से इनपुट लेगा एंटर ए, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग का आउटपुट देखने मिलेगा, एंटर ए और हम लोग यहाँ वैल्यू इनपुट करेंगे, वैल्यू ऑफ ए इज़ 5, तो कुछ इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने मिलेगा। देन इसके बाद सी हैश इफ, द इफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इवेल्यूएट्स द एक्सप्रेशन और कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू इट एग्जीक्यूट्स द कोड, अदरवाइज हैश एल्स इफ और हैश एल्स और हैश एंड इफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो ये जनरली जैसा इफ एल्स स्टेटमेंट होता था सेम वैसे ही काम करता है, एग्जैक्टली सेम काम करता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इफ एक्सप्रेशन और यहाँ ट्रू वाला कोड लिखेंगे, देन उसके बाद हैश एंड इफ कर लेंगे, तो ये एक सिंपल इफ स्टेटमेंट हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे हमने दिया हैश इफ एक्सप्रेशन हैश एल्स हैश एंड इफ, यहाँ पे हम लोग इफ वाला कोड लिखेंगे जो भी हमारा ट्रू वाला पार्ट है, देन इसके बाद एल्स वाला कोड यहाँ पे लिखेंगे जो भी हमारा स्टेप का पार्ट है। यहाँ पे हम लोग इफ एल्स इफ लैडर टाइप का भी यहाँ पे इस टाइप का हम लोग बना सकते हैं, इफ एक्सप्रेशन एलिफ एक्सप्रेशन एल्स एंड इफ, इस प्रकार से भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच हैश डिफाइन नंबर 0, हम लोग नंबर को 0 से डिफाइन कर दे रहे हैं, इफ नंबर इक्वल टू 0 प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ नंबर इज परसेंट डी नंबर एंड इफ,
तो वैल्यू ऑफ नंबर इज ज़ीरो डिफाइन है तो ज़ीरो ही प्रिंट होगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच हैश डिफाइन नंबर इक्वल टू वन वॉइड मेन। यहाँ क्लियर स्क्रीन हम लोग कर लिए। इफ़ नंबर इक्वल टू ज़ीरो प्रिंट एफ वन वैल्यू ऑफ नंबर इज परसेंट डी नंबर एंड इफ इफ नंबर इक्वल टू वन प्रिंट एफ टू वैल्यू ऑफ नंबर इज परसेंट डी नंबर। तो यहाँ पे वैल्यू हमने वन डिफाइन कर दिए हैं तो ये कांस्टेंट बन गया, तो ये वाला मैच करेगा और प्रिंट करेगा टू वैल्यू ऑफ नंबर इज परसेंट डी मीन्स वन। देन इसके बाद आता है सी हैश एल्स। द हैश एल्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इवेल्यूएट्स द एक्सप्रेशन और कंडीशन इफ कंडीशन ऑफ हैश इफ इज फॉल्स इट कैन बी यूज विथ हैश इफ हैश एल इफ हैश इफ डिफाइन एंड हैश इफ एंड डिफाइन डायरेक्टिव्स। तो जैसा कि हमने इफ में देखा सेम वैसे ही यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच हैश डिफाइन नंबर और नंबर को हम लोग वन से डिफाइन कर रहे हैं। वॉइड मेन में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, इफ नंबर इक्वल टू ज़ीरो इफ नंबर इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे नंबर तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यहाँ पे नंबर है वन, तो ये पार्ट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आ जाते हैं हैश एल्स पे, प्रिंट वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉन ज़ीरो ये प्रिंट होगा, तो आउटपुट में हम लोग को मिलेगा वैल्यू ऑफ नंबर इज नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं जो जनरली वॉइड मेन के पहले में लिखा जाता है, और जनरली हम लोग कोई भी अगर कॉन्स्टेंट क्रिएट करना है फिर मैक्रोस के थ्रू हम लोग कोई छोटा सा प्रोग्राम रन कराना चाहते हैं तो उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।